चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। आप लोगों की जो लगातार रिक्वेस्ट आते हैं उसमें एक निश्चित नंबर है, वहां जैसे ही होता है हम आपको आपके रिक्वेस्ट पर वीडियो दिया करते हैं और उसमें कई रिक्वेस्ट आपकी पूरी हो चुकी है। अब इस समय जो है जहां पर भी हमारा 2000 रिक्वेस्ट आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हो जाती है तो मैं उस पर वीडियो बनाने का तुरंत प्रयास करता हूं। तो आज जो है वो आपको मैं पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। बहुत आप लोगों की क्यूरियोसिटी है, बहुत आप लोग जागरूक हैं और कहीं पर भी जो भी घटनाएं होने वाली होती है उसके बारे में पहले ही इतनी जागरूकता दिखाते हैं। तो आज मैं आपको पंजाब के बारे में महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, इसको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, क्योंकि इस पर मैं आपको समय से पहले ही घटनाओं के घटित होने का वर्णन करने का प्रयास करता हूं एस्ट्रोलॉजिकली। और आप देखते होंगे कि घटनाएं भी लगभग उसी क्रम में घटित होती है। तो चलिए, पंजाब के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। आगे मैं आपको काफी और सीरीज में वीडियोस देने वाला हूं, क्योंकि 2022 में कम से कम जो चुनाव होने हैं 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें अगर गुजरात को छोड़ दिया जाए और दूसरा एक और राज्य है जिसको हिमाचल प्रदेश आप कह सकते हो, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो चुनाव होंगे वो जरा लेट होंगे अक्टूबर दिसंबर में। बाकी जो 5 राज्य हैं उनमें चुनाव अर्ली ईयर में होंगे, फेब मार्च में। वो राज्य जो हैं, एक तो ये पंजाब ही है, पंजाब के साथ फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर मणिपुर है और गोवा है। तो इनमें सब में जो है इलेक्शंस होने हैं। तो 5 वो हो गए और गुजरात और हिमाचल प्रदेश 2 ये हो गए। टोटल 7 राज्यों में चुनाव होने हैं 2022 में। अगर और किसी राज्य में समय से पहले चुनाव ना हुए तो अदरवाइज नंबर बढ़ जाएगा। तो चलिए, अब पंजाब के बारे में ये है कि पंजाब में इस समय कांग्रेस की सरकार है। कुल यहां पर 117 सीट्स हैं। इस समय कांग्रेस वहां रूलिंग पार्टी है जिसकी 77 सीट्स हैं एट प्रेजेंट, और वहां पर जो अकाली दल है उसकी 20 सीट्स हैं। बीजेपी ने 3 सीट्स ली थी। इस तरह से टोटल 117 सीट्स जो है टोटल बनती है जाके। और एक टोटल एक लोक इंसाफ पार्टी भी है। अगर टोटल करना है 117 तो इस तरह कर सकते हैं, नेशनल कांग्रेस की 77 है, आपकी 20 है, श्रोमण अकाली दल की 15 है, बीजेपी की 3 है और लोक इंसाफ पार्टी की 2 है। इस तरह से 117 का पूरा नंबर बन जाता है। तो 5 वहां पर ऐसे दल हैं जिनका प्रतिनिधित्व वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में वर्तमान में पाया जाता है। अब आगे क्या परिस्थिति होने वाली है 2022 में, जो मार्च में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि 17 मार्च को आई थिंक वहां पर समाप्त हो रही है वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की है जो कार्यकाल है उसका पीरियड है वो समाप्त हो रहा है। तो उससे पहले ही चुनाव कराने पड़ेंगे और उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट की जाएगी, क्योंकि पहले भी यह है पंजाब के जो है 27 मार्च 2022, तो उससे पहले ही चुनाव हो जाएंगे और वहां पर गठन हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो अब क्या होने वाला है, तो मैंने जो कैलकुलेट वहां पर किया है वो कुछ इस तरह से किया है कि वहां पर नए समीकरण बनने वाले हैं, कुछ ऐसे समीकरण बनने वाले हैं जो प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट है वहां पर, जिसको कांग्रेस सरकार कहते हो, उसके लिए परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। कांग्रेस सरकार के पास इस समय 77 सीट्स हैं और कांग्रेस का, चूंकि मैं आपको बहुत पहले वीडियोस दे चुका हूं कि पतन चल रहा है, डिक्लाइन चल रहा है, कुछ ही राज्यों में सीमित रह पाई है, अभी इसका और पतन होना है। हमारे वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें क्रिस्टल क्लियर बोला था कि उत्थान कब होगा इसका, पतन तो उसमें हमने 3-4 वीडियोस दिए थे लगातार, आप देख रहे होंगे उसी तरह से पतन कांग्रेस का होता चला जा रहा है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा राज्य हाथ से निकलता चला जा रहा है। अब ये पंजाब में भी क्या ये निकलने वाला है पंजाब इसके हाथ से, तो बस यही मैं आपको बताने जा रहा हूं।
तो जो मैंने कैलकुलेशन की है वो वाकई कुछ चौंकाने वाली कैलकुलेशंस हैं, और वो कैलकुलेशन ऐसी हैं कि कुछ एक महत्वपूर्ण संगठन सामने आएगा। संगठन का मतलब है कोऑर्गेनाइजर, हम कह सकते हैं एक अलायंस कह सकते हैं, एक दो या तीन दलों का संगम कह सकते हैं, वो होने वाला है वहां पे। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो जो मैंने कैलकुलेशन किया है उस आधार पर ऐसे जो सबसे पॉसिबल पार्टीज हैं जिनका आपस में संगम हो सकता है, उसमें एक तो है आम आदमी पार्टी। पहले ये चुनाव जो है मैक्सिमम सीट्स पे लड़ी थी आम आदमी पार्टी, सॉरी एक्सक्यूज मी प्लीज, 112 उस समय सीटों पर इसने चुनाव लड़ा था जिसमें 20 सीट्स इसकी आई थी। इस बार आपका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होने वाला है, आप वहां पर अपने पैर फैलाने वाली है, और जो आज लोग सोच नहीं रहे होंगे उस रफ्तार से फैलाने वाली है, क्योंकि आपका तीन दलों से वहां पर हमें संगठन दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है। अब वो तीन कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं वो भी कैलकुलेशन करने का प्रयास किया है। अभी तो बहुत टाइम है, हम उसको और फाइनल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमने जो अभी किया है उसमें एक तो आप और दूसरा शिरोमणि अकाली दल, ये दोनों एक मंच पे आ सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल और आप, ये दोनों एक मंच पर आ सकते हैं। और तीसरा दल जो इसमें हो सकता है वो एक जो लोक इंसाफ पार्टी है, या तो वो हो सकता है और या फिर कोई और दल अस्तित्व में आ सकता है। तीन का अमेलगेमेशन तो नहीं कहेंगे हम, इसको कोऑर्डिनेशन कहेंगे, अलायंस कहेंगे, चुनाव, चुनावी अलायंस। तो चुनावी अलायंस ये दिखाई दे रहा है कि तीन का हो सकता है। अब ये तीन का चुनाव जो अलायंस हो सकता है उसमें आप जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली है। आपको 20 सीट्स मिली थी पिछले चुनाव में, इस बार उसका एक्सपेंशन होगा कम से कम उसकी डबल, कम से कम उसकी डबल सीट्स लगा लीजिए। जो मैंने कैलकुलेट किया है वो 39 से 47 के बीच में अभी नंबर आ रहा है, तो एक अच्छा नंबर है। अभी तो एक साल है, क्या परिस्थितियां आगे बनने वाली है पता नहीं। तो पंजाब आपको एक गिफ्ट देने वाला है, बहुत अच्छी गिफ्ट देने वाला है। और पंजाब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि मैं और भी आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं, क्योंकि पंजाब एक अलग तरह का केंद्र दोबारा बनने वाला है। तो आप आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में केजरीवाल जी उसके उसके मुख्यमंत्री हैं, उसके प्रधान हैं, वो पंजाब में बहुत अच्छा करने वाली है, और भी कुछ राज्य हैं जिसमें आप अच्छा करने वाली है। क्यों करने वाली है वो मैं आपको आगे वीडियोस में देने वाला हूं कि आखिर आपके पास ऐसा क्या है, क्या कारण है जो वहां पर इसका एक्सपेंशन हो सकता है या इसके परसेंटेज ऑफ वोट में वृद्धि हो सकती है। तो अभी मैं केवल और केवल पंजाब पे आपको कंसंट्रेट कर रहा हूं, बहुत ही मजेदार वीडियोस देने वाला हूं मैं पंजाब के साथ में, आपको हिमाचल प्रदेश का भी देने वाला हूं, यूपी का भी देने वाला हूं, क्योंकि यूपी के चुनाव भी 5 मार्च में ड्यू है। यहां क्या परिस्थिति बन सकती है, यूपी में भी बहुत अलग तरह के समीकरण निकल के आ रहे हैं, तो अलग अलग वीडियोस में मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। अभी मैं केवल और केवल पंजाब पे कंसंट्रेट करता हूं, और कांग्रेस को यहां से वार्निंग मिलनी चाहिए, कांग्रेस को एक तरह से कॉशस हो जाना चाहिए कि उसका पतन, उसका डाउनग्रेडेशन पंजाब में भी होने वाला है, और वो आपके द्वारा जो आप पार्टी है वो उसका कारण बनेगी। दिल्ली में आपने देखा, आपने ही कांग्रेस को पतित किया था, और अब वो पंजाब में स्थिति आने वाली है। तो कांग्रेस को बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है पंजाब में, कांग्रेस को आपसे डरने की जरूरत है, और आप देखेंगे कि ये पार्टी पंजाब में अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करेगी, अपना कंसंट्रेट वहीं करेगी, और वहां पर एक अभूतपूर्व सफलता की स्थिति में ये पार्टी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, समय से पहले देखिए, अभी कहीं पंजाब के बारे में कोई विवेचन आपको नहीं मिलेगा, किसी ने किसी मीडिया पे कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैंने बंगाल का दिया था,
ऐसे ही मैंने आपको जो लोकसभा के हुए थे चुनाव उनका दिया था, समय से पहले मैं देने का प्रयास करता हूं। तो पंजाब में एक परिवर्तन की परिस्थिति बनेगी, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा ये अभी बहुत समय है, लेकिन हां ये जरूर कह रहा हूं एक नया फोर्स सामने आएगा जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चैलेंज सामने खड़ा करेगा। और हां बिल्कुल हो सकता है कि वो कांग्रेस को सब्स्टिट्यूट कर दे, कांग्रेस को हटा दे। ये अभी मैं आपको आगे बताता जाऊंगा जैसी जैसी परिस्थितियां बनेगी, कौन उसको लीड कर रहा है, क्या परिस्थिति है, उसका एस्ट्रोलॉजिकल क्या है इतिहास, ये सब चीजें देख के मैं आपको जरूर बताता रहूंगा। लेकिन हाँ आज बता रहा हूं कि आज की डेट में अगर हम देखें तो आप बहुत अच्छी टक्कर दे रही है कांग्रेस को, क्योंकि जब अगर इसके स्वयं 39 से 47 जो हमने सीट्स लगाई हैं अगर इसकी आएंगी और जिसके साथ ये अलायंस करेगी उसकी सीट्स आएंगी, तो वैसे भी कांग्रेस की सरकार वहां पर गिरती हुई दिखाई दे रही है अगर आज की डेट से भी हम निकालें तो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह है कि यस कांग्रेस को अलर्ट हो जाना चाहिए, वहां पर उसको चुनौती मिलेगी, भयंकर चुनौती मिलेगी, और ये 2022 के जो चुनाव होंगे वो आपको आगे दिखाई देंगे कि कुछ इन्हीं लाइंस पर आगे कंक्लूड हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपने देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए क्योंकि आगे मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस देने जा रहा हूं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।